लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनावें, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है।